गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉरल साइंस पढ़ेंगे, मॉरल वैल्यूज़। उसमें चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, वेकिंग अप अर्ली कैन बी फन। द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म। ये एक प्रोवर्ब है, इसका मतलब है कि जो अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले पकड़ता है या सबसे पहले कैच करता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जो उस अपॉर्चुनिटी का सबसे पहले यूज़ करता है, वही उसका एडवांटेज ले पाता है या वही कुछ गेन कर पाता है। ठीक है, हाउ ट्रू दिस इज एन अर्ली राइजर ऑलवेज। ये कैसे सच है, ये किस तरह ये बात सच है, द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म। एन अर्ली राइजर ऑलवेज हैज़ अ हेड स्टार्ट ओवर दोज हु आर स्टिल अस्लीप। जल्दी उठने वाले, मॉर्निंग में जल्दी उठना वाले हमेशा उन लोगों के ऊपर एक स्टार्ट करके रखते हैं, एक सबसे पहले स्टार्ट कर पाते हैं जो अभी तक सो ही रहे हैं, जो लेट तक सोते रहते हैं उनके ऊपर, उनसे पहले जल्दी उठने वाले उस अपॉर्चुनिटी को गेन कर जाते हैं। थिंक ऑफ ऑल द वंडरफुल थिंग्स यू कुड डू इफ़ यू स्नैच्ड अ फ्यू आवर्स एवरी डे फ्रॉम द वेरी अर्ली मॉर्निंग फॉर योर सेल्फ। सोचो कि आप कितनी सारी अच्छी चीज़ें कर पाएंगे, कितने सारे अच्छे काम हैं जो आप कर पाएंगे अगर आप अपने लिए सब सुबह सुबह वेरी अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह 4 बजे के आसपास, जिसको हम डॉन कहा जाता है, DAWN, उस टाइम को कहा जाता है DAWN, डॉन। अगर आप डॉन टाइम में या वेरी अर्ली मॉर्निंग में अपने लिए डेली कुछ घंटे निकाल पाएँ तो सोचो कि आप कितना अच्छे काम कर पाएंगे। यू कुड ब्रश अप ऑन योर स्कूल वर्क और स्पेंड दिस टाइम टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर बुक्स। आप अपना जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा उसको अगर आप एक बार रीड कर लें या उसको एक बार से नज़र मार लें, देख लें उसको, एक बार ब्रश अप करने का मतलब है क्विक रिवाइज कर लें, क्विक रीडिंग कर लें जो स्कूल में आगे पढ़ाया जाएगा, या फिर कुछ जो हम पढ़ चुके हैं किसी और अदर बुक से उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गेन करें। इफ़ यू आर इन द हैबिट ऑफ कीपिंग अ पर्सनल डायरी देन टाइम कुड बी यूज टू पुट योर थॉट डाउन। आप अगर पर्सनल डायरी रखने की हैबिट रखते हैं, अगर आपको हैबिट है पर्सनल डायरी बनाने की, पर्सनल डायरी रखने की, तो आप अपने थॉट्स उस टाइम उसमें लिख सकते हैं मॉर्निंग में। यू कुड इवन राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड और रिलेटिव, और मे बी यू कुड रीड अ स्टोरी बुक और विच यू नेवर फाइंड द टाइम अदरवाइज। आप लेटर लिख सकते हैं अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को लेटर लिख सकते हैं, या फिर आप कोई स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, या आप वो काम कर सकते हैं जिसके लिए आपको कभी टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, दीज अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग आर मोस्ट प्रीशियस बिकॉज दिस इज़ व्हेन टाइम इज़ योर ओन। ये सुबह के कुछ घंटे बहुत कीमती होते हैं, बहुत प्रीशियस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम होता है जो कि हमारा खुद का टाइम होता है। इट इज़ अ टाइम ऑफ द डे व्हेन देयर आर नो डिस्टर्बेंसेस और डिस्ट्रैक्शंस, द साइलेंस हेल्प्स यू टू कंसंट्रेट। ये पूरे दिन का वो टाइम है जहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, हम कोई काम कर रहे हैं उससे, साइलेंस जो है वो हमें कंसंट्रेट कर पाते हैं हम साइलेंस में बहुत अच्छे से। डिवोटीज रिजर्व दिस टाइम फॉर प्रेयर एंड मेडिटेशन। जो पूजा पाठ करते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, वो इस टाइम को प्रेयर में, पूजा में और मेडिटेशन में यूज़ करते हैं। आगे है, इंडस्ट्रियस पीपल यूज़ इट फॉर सम वर्क और द अदर। जो जॉब वाले लोग होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में जॉब करते हैं, फैक्ट्रीज़ में जॉब करते हैं, वो भी इस टाइम को अपना कुछ वर्क करने में ही यूज़ करते हैं। डिलिजेंट स्टूडेंट्स यूज़ इट टू स्टडी एंड देयर आर स्टिल अदर्स हु टेक एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू रिमेन एक्टिव फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। कुछ मतलब मेहनती स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई में इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, पढ़ाई करते हैं इस टाइम में, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने एक्सरसाइज और ये सारी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करते हैं जिससे कि उनका पूरे दिन वो बाकी के बच्चे पूरे दिन एक्टिव रहें। मोस्ट ग्रेट लीडर्स लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू
एंड गांधी जी अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ वर्किंग एट डॉन। जो ये ग्रेट लीडर्स थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, ये इस डॉन वाले टाइम में यानी 4 बजे के आसपास इस टाइम में काम करने की वैल्यू को बहुत अच्छे से समझते थे। दे यूटिलाइज दिस टाइम टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ये इस टाइम में अपने आप को बाकी का दिन कैसे हमें मैनेज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उस चीज़ को, उस टाइम को ये बनाने में लगाते थे। इट माइट बी अ गुड आइडिया इफ़ यू डिड द सेम। अगर आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमें अपने पूरे दिन में क्या करना है, किस तरह अपने पूरे दिन को मैनेज करना है, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, आप भी इन लीडर्स की तरह कर सकते हो। इफ़ यू आर इन द हैबिट ऑफ वेकिंग अप जस्ट इन टाइम टू rush off to school, why don't you try to start your day a couple of hours earlier from tomorrow? अगर आप भी, आपको भी आदत है कि एकदम टाइम पे उठो और बिल्कुल रेस लगाओ अपने स्कूल जाने के लिए, बहुत जल्दी जल्दी एकदम हबड़ तबड़ में काम करो, तो क्यों ना आप कल से अपना डे, अब कल से अपना दिन जो है 2 घंटे पहले स्टार्ट करो, जिससे कि आपका भी काम कुछ easily हो पाए। Give yourself this time to check out your timetable and to see whether all your books are packed correctly। क्यों ना आप इस टाइम में अपना timetable check करो, जिससे कि आप अपनी books जो हैं वो आपने bag में ठीक से pack की हैं या नहीं, ये check करो, इसमें इस time को दो। Maybe you would like to go over a lesson or two। आप आगे जो, सो दैट यू आर थॉरली प्रिपेयर्ड फॉर योर डे एट योर विल। आपको जो करवाया जाएगा स्कूल में, एक लेसन को रीड कर लो, 2 लेसन को रीड कर लो, जिससे कि आप आगे वाले दिन के लिए प्रिपेयर हो जाएं, यानी कि स्कूल में जो करवाया जाएगा उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं। बी अमेज्ड एट द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी देयर इज एट द क्रैक ऑफ डॉन। इस टाइम आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब कितनी सारी एक्टिविटीज़ इस सुबह वाले, भोर वाले टाइम में, डॉन मतलब भोर वाले टाइम में, सुबह वाले वेरी अर्ली मॉर्निंग होती हैं। द बटरफ्लाइज फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, द बर्ड्स लीव देयर नेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। जो आपको बटरफ्लाइज दिखेंगी जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाती हैं, आपको पक्षी दिखेंगे जो एक जो अपना घोंसला छोड़ करके निकल जाते हैं अपने लिए खाना ढूंढने के लिए। द बोट्समैन सेट आउट सी फॉर हिज कैच व्हाइल द फार्मर गोज़ टू प्लो इन द फील्ड। जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में चले जाते हैं खेत जोतने के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए। जो ये होते हैं बोट्समैन जो होते हैं वो अपनी बोट को सी में लगा लेते हैं आगे जाने के लिए, कैच फिश वगैरह कैच करने के लिए, ठीक है। ट्राई गिविंग योरसेल्फ जस्ट एन एक्स्ट्रा आवर ईच मॉर्निंग, ऐड दिस अप एंड यू विल हैव 30 hours इन द 30 day month। आप अगर आप 1 घंटा अपने लिए निकालो मॉर्निंग में, डेली 1 घंटा निकालो और इसको अपने लिए ऐड करो, जब ऐड करते जाओगे तो 30 दिन बाद आपको ये 30 घंटे दिखेंगे, जिसमें कि आप अगर डेली अगर आप 10 पेज पढ़ते हैं तो 30 दिनों में आप 300 पेजेस पढ़ लेंगे, यानी कि आप चाहें तो एक पूरी बुक कंप्लीट कर सकते हैं। मेक इट अ हैबिट टू स्टार्ट योर डे अर्ली विद द सेम एक्टिविटी। आप अपनी हैबिट बनाओ कि अपनी यही कुछ चीज़ें इसी तरह की डेली आप कुछ करो, कोई भी एक्टिविटी। इफ़ इट कुड बी कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हो, इट कुड बी रीडिंग, गार्डनिंग, एक्सरसाइजिंग और जस्ट टेकिंग अ डॉग फॉर अ वॉक। आप रीडिंग कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप गार्डनिंग कर सकते हो, और कुछ भी नहीं करना, पढ़ना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, तो आप जस्ट वॉक के लिए जाओ, अपने डॉग को वॉक पर ले जाओ, डॉग नहीं है तो आप खुद वॉक पर जाओ। विच एवर वर्क यू चूज़ टू डू, यू विल फाइंड योर सेल्फ मोर एनर्जेटिक, अलर्ट एंड ऑर्गेनाइज फॉर द रेस्ट ऑफ द
डे आप कोई भी वर्क करना, ये टाइम आप जिस भी वर्क में लगाओगे, आप कुछ भी करो, लेकिन बस मेन हमारा क्या है, मोटिव, कि आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है। जल्दी उठ करके आप कोई भी काम करो, आप क्या पूरे दिन जो है अपने आप को एनर्जी, एनर्जेटिक और अलर्ट महसूस करेंगे। गो टू बेड अर्ली एट नाइट सो दैट यू कैन गेट अप एट डॉन। आप बस टाइम से नाइट में सो जाओ, 9:30 पे बेड पे चले जाओ और 10 PM तक आप सो जाएंगे, और 10 बजे तक आप सो जाओ, और अगले दिन जिससे कि आप टाइम से यानी कि डॉन मतलब 4 बजे आप उठ पाओ। गिव अ फ्रेश स्टार्ट टू अ न्यू डे, आप नए दिन को एक नई और फ्रेश स्टार्टिंग दो या शुरुआत दो। क्लियर? तो आप लोग भी जल्दी उठना स्टार्ट करो, आपको कुछ नहीं करना, आप तो पढ़ना भी नहीं है इतना, अपनी रिवाइज करो, अपना रिवीजन करो, नई नई मीनिंग्स लर्न करो, नई नई चीज़ें सीखो, कुछ क्रिएटिव करो। क्लियर? तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, क्या क्या वैल्यूज सीखी? राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गिव अ स्टार्ट, गुड स्टार्ट टू योर डे। मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठो और अपने दिन को एक अच्छी और एक नई शुरुआत दो। सेकेंड है, यूज़ द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग फॉर सम कंस्ट्रक्टिव वर्क। आप जो अपने सुबह के दिन, जो सुबह का जो टाइम होता है पूरे दिन में, उसको कुछ अच्छा सा, कुछ कंस्ट्रक्ट, कुछ बनाने में, कुछ मतलब क्रिएटिव करने में अपना ये टाइम दो, ठीक है? और आपको ध्यान में क्या रखना है, कीप इन माइंड अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये तो हम बचपन में भी पढ़ते थे। क्लियर? तो ये था हमारा चैप्टर, अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी, अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर? गुड डे ऑल ऑफ यू।